शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, पाठ 10 कोयल। इस कविता में हमने आपको पहले कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे उनका परिचय बताया, फिर हम आप पहली चार पंक्तियों को बताकर उनका विश्लेषण किए, उनके बारे बताए, ठीक है। और हमने चार क्या आठ पंक्तियां उस दिन पोयम कविता सीख लिए थे। चलिए आज मैं आपको आगे की चार पंक्तियां बताकर उनके बारे समझाती हूँ कि उन चार पंक्तियों में कवित्री क्या कहना चाहती है, उसके बाद फिर हम लोग चार लाइन देखेंगे, ठीक है। चलिए, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। एक मिनट बेटे, और एक बार कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवित्री सुभद्रा कुमारी कहती है कोयल को, पहले बोली देखो कोयल काली है, कितनी मीठी है इसकी बोली, ओके। और इसमें उन्होंने दिखाया कि जब आम में मंजर आने लगता है, फूल आने लगता है, छोटा छोटा फल आने लगता है, तब कोयल आमों के पेड़ों पर बैठी हुई पाई जाती है मीठा गाना गाते हुए। तो आगे कवित्री कहती है, कोयल से सवाल पूछती है, कोयल कोयल सच बतलाओ, कोयल रानी आप सच हमसे बताइएगा कि क्या संदेशा लाई हो, इतने दिनों तो तुम दिखाई नहीं दे रही थी, अचानक तुम्हारी आवाज़ हमें सुनाई देने लगी, अचानक तुम आमों के पेड़ों पर दिखाई देने लगी हो। सो इसलिए बोलती है जरूर कोई नया संदेशा लेकर आई होगी। इसलिए कवित्री ये कोयल से जवाब सवाल पूछती है, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, मीन्स तुम सच में बोलो कि तुमने क्या शुभ समाचार लेकर आया है, क्या नया संदेशा लाई हो, ओके। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, तुम बहुत ही दिनों के बाद, लगभग एक वर्ष के बाद तुम आमों की डाली पर फिर से दिखाई दे रही हो। तो इसलिए कवित्री का कहना है इतने दिनों तुम कहाँ थी, क्या इतने दिनों कोई खुशी का समाचार नहीं था। तो हम देखते हैं कवित्री वो जानना चाहती है कि बहुत दिनों के बाद अचानक तुम जो आमों की डाली पर आके बैठ गई हो, इसका क्या अर्थ है, जरूर कुछ नया संदेशा या नया शुभ समाचार लेकर आई हो। फिर से देखिए, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो कवित्री कहती है जरूर तुमने कुछ नया संदेशा शुभ समाचार हमारे लिए लाई हो, इसलिए तुम इस डाली पर आज आकर बैठी हो। तो सुभद्रा कुमारी बहुत ही खुशी से कोयल की आवाज़ जब सुनती है, जब उसकी मीठी आवाज़ सुनती है, तो उनके मन में प्रश्न उठने लगता है, इसलिए वह सवाल करती है। चलिए आगे की चार पंक्तियाँ, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। यहाँ कहती है कवित्री, उन्होंने तो पहले बोला मीठी बोली है, दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुम क्या संदेशा लेकर आई हो और बहुत दिनों के बाद इस पेड़ पर बैठी हो। तो आगे वो बोलती है, क्या गाती हो किसे बुलाती, तुम क्या अपने मीठे सुरीली आवाजों से ये क्या बोल रही हो, क्या गा रही हो, और इस गाने के द्वारा तुम किसे बुला रही हो, किसकी आह्वान कर रही हो, या किसे अपनी ओर अपनी आवाज किसको सुना रही हो, ठीक है। तो फिर कहते हैं, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, कोयल रानी प्यारी चिड़िया मीठी बोली वाली चिड़िया, आप बता दीजिए कि आप अपनी ये आवाज किसको सुना रही हैं, किसको बुला रही हैं, ठीक है। तो फिर आगे लाइन देखिए, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। बोलती है जरूर तो शायद मेघ अपनी मीठी आवाज के द्वारा इस धरती, प्यासी धरती, सूखी पड़ी धरती को देख कर तो मेघों से पानी मांग रही हो, यानी मेघ से पानी बरसाने का आह्वान कर रही हो, पानी बरसाने के लिए उन्हें बोल रही हो अपने मीठी बोली के द्वारा। तो कवित्री कहती है कि तुम ये सब गाकर क्या तुम मेघों से पानी तो नहीं मांगती हो, क्योंकि जब आम में मंजर लगने लगता है उसके लिए पानी चाहिए, जब छोटे छोटे आम फलने लगते हैं तो पानी चाहिए, और आप देखिएगा सब तरफ सूखा नजर आता है, और जब पानी आ जाती है तो एक प्रकार की सांत्वना आ जाती है, सब खुश हो जाते हैं, पशु पक्षी पेड़ मनुष्य सब। इसलिए देखिए ये कोयल रानी सबकी संतुष्टि के लिए, सबकी खुशी के लिए
वो आम के डाल पर बैठकर अपनी सुरीली आवाज से पानी मांग रही है। मानी ये कवित्री का कहना है कि कोयल रानी मेघों से पानी बरसाने के लिए बोल रही हो क्या। सो इन पंक्तियों में हमने देखा प्यारे बच्चों कि कवित्री सवाल करती है, प्रश्न पूछती है कि इतने साल बाद, एक साल बाद तुम अचानक आई हो, क्या कुछ खुशी का संदेश है, क्या तुम मेघों से पानी तो नहीं मांग रही हो इस सूखी धरती के लिए। घास मर रहा है, पौधे सूख रहे हैं, पशु पक्षी पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो क्या तुम इनकी भलाई के लिए पानी मांगती हो। तो उनका सोचना है बेटे कि इनकी मीठी सुरीली आवाज़ सुनकर बादल बरस पड़ेंगे, वर्षा होगी और पेड़ पौधों के लिए नया जीवन मिलेगा, जिसमें जो मुरझा गए हैं उसमें नयापन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इन दो पंक्तियों को मैंने आज आपको बताया। अगले के क्लास में हम आगे के दो खंड और पढ़ेंगे, ठीक है। चार चार आठ पंक्तियाँ आज मैंने बताई, अगले दिन अगले की आगे और फिर चार पंक्तियाँ हम देखेंगे। धन्यवाद।